क्रिकेट शॉर्ट्स का ये चैनल मोनेटाइज भी है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी है और शॉर्ट्स पर व्यूज भी मिलियंस में है। इसी तरह ये दूसरा चैनल भी मोनेटाइज्ड है और सब्सक्राइबर्स और व्यूज भी इस चैनल के बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन 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 इन सब चीज़ों को देखकर अगर आपको लगता है कि अगर आप भी ऐसा ही अपना क्रिकेट का शॉर्ट्स चैनल बनाकर मोनेटाइज करवा लेंगे तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होगा। ये है एक और क्रिकेट का शॉर्ट्स चैनल, लेकिन ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने की है एक गलती जिसकी वजह से या तो इस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई या फिर रीयूज कंटेंट और यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो पहले वाले दो चैनल्स मैंने आपको बताए, ये प्रॉपर तरीके से ट्रिक को फॉलो करते हैं, प्रॉपर तरीके से एडिट करते हैं और इसी वजह से इनका चैनल भी मोनेटाइज्ड है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे आप भी अपना क्रिकेट का शॉर्ट चैनल बना सके और कॉपीराइट से भी बच सकें और मोनेटाइजेशन भी ऑन करवा सकें, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जानने को मिलेगी आगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट की, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वीडियोस कहाँ से मिलेगी। आप में से बहुत से लोगों ने पार्ट वन वाली वीडियो में कमेंट किया था कि हॉटस्टार में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो वीडियोस नहीं ले सकते। तो घबराओ मत, मैं आपको बहुत सारे सोर्सेज बताने वाला हूँ जहाँ से आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली साइट का नाम है cricketworldcup.com। सारी साइट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा, न्यूज़, आर्टिकल्स, वीडियोस, मैच हाइलाइट्स, पॉइंट्स टेबल, सब कुछ। और ये हर मैच खत्म होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही अपडेट भी हो जाता है। तो हाइलाइट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्पेशल परफॉर्मेंसेस, बॉलर्स, बैट्समैन, सब कुछ यहाँ पर इजिली आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और उसे कैसे यूज करना है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आप चाहे तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में ये अवेलेबल है। तो ये तो बात हुई स्पेशली वर्ल्ड कप से रिलेटेड कंटेंट की, वीडियोस की। बाकी टूर्नामेंट्स और वीडियोस का क्या? अब बात करें अगर आईपीएल की, तो आपको आ जाना है IPLT20.com की साइट पर और यहाँ पर आपको आईपीएल से रिलेटेड पूरा कंटेंट, सारे मैचेस, हाइलाइट्स और सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ से भी आप इजिली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब इसके अलावा YouTube पर आपको कुछ चैनल्स मिलेंगे, जैसे कि ये ICC का चैनल। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर मैचेस या हाइलाइट्स बहुत सारी मिल जाएंगी, पुराने मैचेस की भी मिल जाएगी जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं YouTube से। ये भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है और इन वीडियोस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने शॉर्ट्स में। इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो आप यहाँ PCB के ऑफिशियल चैनल पर जाकर पाकिस्तान के मैचेस के वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के भी यहाँ पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे क्रिकेट टीम के, और यहाँ से भी आप इजीली वीडियोस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी कॉन्टेंट के लिए भी। तो यहाँ से आप जिस भी मैच या अपडेट के ऊपर शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं उसे आप डाउनलोड कर लीजिए या तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये फ्राइडे को हुए साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वाले वर्ल्ड कप मैच की स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शॉट्स यहाँ पर लेके रख लिए हैं और इसी पर हम अभी शॉर्ट्स बनाने वाले हैं। तो मैंने इस फोल्डर में सारी वीडियोज और स्क्रीन शॉट लेकर रख लिए हैं इस मैच से रिलेटेड जो आगे मैं शॉर्ट्स में यूज करने वाला हूँ। तो अब हमारे पास सारा कॉन्टेंट आ चुका है, अब हमें करनी है इसे प्रॉपर तरीके से एडिटिंग, जो इस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन स्टेप है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है कैपकट। बाय द वे, जिन लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने जो उस वीडियो में ऑलरेडी बताई है वो मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो कैपकट ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सारा कॉन्टेंट और मटेरियल यहाँ पर लेकर आ जाना है। अगर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी बना ली है, वॉइस ओवर भी बना लिया है, तो वो फाइल भी आपको यहाँ पर ले आना है, नहीं तो आप कैपकट में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपको एक एक करके अपनी वीडियोस को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले जाना है और अब आपको सबसे पहले अपनी वीडियोस की ओरिजिनल ऑडियो को बिल्कुल म्यूट कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना ही करना है, नहीं तो कॉपीराइट आएगा 100%। तो ओरिजिनल ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है। अब आपको अपनी हर क्लिप या वीडियो को करना है एडिट। तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो में सिर्फ वो ही पार्ट रखना है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी का पार्ट आपको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर बैट्समैन का शॉट दिखाना है तो बस बॉलर की बॉल आने से लेकर बैट पर लगते तक इतना ही आपको रखना है।
और बाकी सारी चीजें आपको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। शॉट मारने के बाद बॉल हवा में जा रही है या फिर बाउंड्री तक जा रही है, क्राउड का रिएक्शन, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ये आपको डिलीट कर देना है। इसी तरह अगर किसी बॉलर का विकेट दिखाना है तो अगर बोल्ड हुआ है तो बॉल स्टंप पर लगते तक ही आपको दिखाना है, उसके बाद बैट्समैन जा रहा है, बॉलर सेलिब्रेट कर रहा है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी चीजों का रिएक्शन या बाकी लोगों का रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है, सिर्फ जो मेन चीज है उसी पर आपको फोकस करना है और वही पार्ट आपको अपने शॉट्स में रखना है, और आपको इसी तरह सारे क्लिप्स में करना है और सिर्फ मेन पार्ट रख लेना और बाकी सबको डिलीट कर देना है। बाकी आगे मैं जब वीडियो प्ले करूंगा तो आपको और समझ में आ ही जाएगा। और एक बात का ध्यान और रखना कि इस प्रोसेस में आपको सिर्फ वीडियोस ही यूज नहीं करना है बल्कि स्क्रीन शॉट्स भी यूज करना है बीच बीच में। तो बीच बीच में आपको मैच के स्क्रीन शॉट्स भी डालने हैं उस पर्टिकुलर सीन के, वो इसलिए कि हम कोई भी क्लिप को मोर देन 15 सेकंड्स यूज नहीं करेंगे एक बार में, इससे कॉपीराइट का खतरा भी नहीं हो। तो चाहे तो हर क्लिप के बाद एक स्क्रीनशॉट डालिए या फिर क्लिप को 15 सेकंड्स या उससे कम ही रखिए। तो आपको ये एडिटिंग में एक चीज समझ लेनी है कि हमारी इस एडिटिंग प्रोसेस में आएगी तीन चीजें या फिर आप तीन लेयर्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ओरिजिनल क्लिप या फिर स्क्रीनशॉट, सेकंड उस मैच या सिचुएशन के ऊपर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन, और थर्ड हमारा अपना खुद का वॉइस ओवर। तो ये तीन लेयर ही है हमारी कंप्लीट एडिटिंग प्रोसेस। एक्सपर्ट ओपिनियन वाली वीडियोस भी आपको YouTube पर ही मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब सारी क्लिप्स प्रॉपरली चॉप करके स्प्लिट करके डिलीट कर देने के बाद इसे हमने वापस अरेंज कर दिया है। आपको अब सारी क्लिप्स एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और अब आपको यहां पर एस्पेक्ट रेशियो अपने वीडियो का चूज कर लेना है। अब हम शॉर्ट्स बना रहे हैं तो हम यहां पर 9:16 चूज कर लेंगे। यूट्यूब वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो, तो आप 16:9 चूज कर सकते हैं। अब आपको क्लिप का साइज एक्सपैंड करके एडजस्ट कर लेना है और पूरे स्क्रीन पर फिट कर लेना है ताकि वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो फिट आ जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगेन आपको ये सारी क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स के लिए 1x1 कर लेना है और उनका साइज एडजस्ट करके एक्सपैंड कर लेना है और स्क्रीन साइज पर फिट कर लेना है। चलिए तो अब सारी क्लिप्स को मैंने यहाँ पर रीसाइज करके एडजस्ट कर दिया है प्रॉपरली और अब ये फिट भी हो चुका है। और लास्ट में मैंने एक्सपर्ट वाली क्लिप रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये मैंने अगेन यूट्यूब से ही डाउनलोड की। इसके बाद आपको इसमें ऐड करने हैं इफेक्ट्स, तो ऊपर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब वैसे तो आप इसमें कोई भी इफेक्ट अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं, पर मैं अभी ये नाइट क्लब वाला रैंडम मोनोक्रोम इफेक्ट ऐड करूंगा। तो इसे मैं ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले जाऊंगा और फिर इसे पूरी वीडियो में एक्सपैंड कर दूंगा लास्ट तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप चाहे तो इस इफेक्ट में कलर, स्पीड, स्ट्रेंथ और फिल्टर्स यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्ले करके देख लीजिए जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे। फिर इसी इफेक्ट के ऊपर चाहे तो आप कोई दूसरा इफेक्ट और भी ऐड कर सकते हैं, उसे भी ऐड करके ले जाइए और पूरे डिजाइन में लास्ट तक एक्सपैंड कर दीजिए। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में दिखाया है पूरी डिटेल्स के साथ, तो अगेन वो वाली वीडियो देख लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो। चलिए तो दोनों इफेक्ट्स भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब आप चाहे तो इसमें फिल्टर्स और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, करना हो तो कीजिए और else you can skip it। अब आपको इसमें एक काम और करना पड़ेगा, अगर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन वाला पार्ट आप यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आपको ओरिजिनल ऑडियो भी रखनी पड़ेगी, लेकिन उस वीडियो की स्पीड आप थोड़ी बढ़ा दीजिए जिससे कि वो ओरिजिनल वीडियो से थोड़ी अलग हो जाए और कॉपीराइट का सीन भी नहीं हो, तो स्पीड आप थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए उस वीडियो की। बाकी दूसरे क्लिप्स की स्पीड भी अगर आपको कम ज़्यादा करनी हो अपनी रिकॉर्डिंग को सिंक करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपका वॉइस ओवर और वीडियो मैच हो सके। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे दूँ। अगर आपको लगता है कि पूरे मैच की हाइलाइट्स ओरिजिनल आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल देंगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, ऐसा होता नहीं है। और अगर आपको कोई बोले तो वो झूठ बोल रहा है। तो आपको ओरिजिनल वीडियो में अपना इनपुट ऐड करना ही पड़ेगा, वॉइस ओवर ऐड करना ही पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, और कॉपीराइट से बचने के लिए मिक्सेस एंड मैचेस बिटवीन वीडियोस एंड स्क्रीनशॉट्स करना पड़ेगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग, एक क्लिप को 15 सेकंड से ज्यादा मत रखना अगर कॉपीराइट नहीं चाहिए तो, क्योंकि अच्छे अच्छों के चैनल उड़ जाते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक और रीयूज कंटेंट की वजह से। इसलिए शुरू से प्ले सेफ एंड गेट मोनेटाइज्ड। बाकी आप कहीं से भी कंटेंट उठाएं, डाउनलोड करें, सेम रूल फॉलो कीजिए और आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। चलिए नाउ बैक टू द वीडियो। अब आता है आपका वॉइस ओवर यानी कि रिकॉर्डिंग, वो कैसे करनी है, उसके लिए स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से ऐड करना है, ये सब के लिए अगेन वॉच पार्ट 1।
जो मैंने डिटेल में ऑलरेडी बताया है, तो फिर से मैं रिपीट नहीं करूँ। मैंने यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग अपनी ऐड कर दी है, अब इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ, कोई सवाल हो या कोई इशू हो तो आप कमेंट करके या इंस्टा पर भी मुझे भेज सकते हैं। नाउ एंजॉय द वीडियो। फ्राइडे को चेन्नई में वर्ल्ड कप के 26 मैच में एक रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच देखने को मिला। आखिरी ओवर तक चले इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 271 रन का टारगेट दिया था, और जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन माक्रम ने शानदार 91 रन की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों खासकर हैरिस रौफ ने पाकिस्तान को मैच में वापस ला दिया और साउथ अफ्रीका के 9 विकेट गिर चुके थे और उन्हें 21 रन और चाहिए थे। तभी हैरिस रौफ की गेंद पर LBW डिसीजन बहुत चर्चा में है, जिसे ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया और रिव्यू में भी इस डिसीजन को चेंज नहीं किया गया, जिसके बाद केशव महाराज और शमसी की जोड़ी ने मिलकर यह मैच साउथ अफ्रीका के नाम कर दिया। इस क्रूशियल LBW डिसीजन पर एम्पायर्स कॉल की आलोचना पाकिस्तान के पुराने प्लेयर्स और बहुत सारे प्लेयर्स ने भी की और इसे गलत बताया। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। Yeah.